दोस्तों, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि अपने वार्डरोब का वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बेडरूम का साइज है। ये वार्डरोब में जो जो मटेरियल यूज हुआ है उसका लिस्ट है। ये वार्डरोब का मेजरमेंट है। ये वार्डरोब मैंने लिव स्पेस कंपनी से बनवाया है। लिव स्पेस ने प्रॉपर मेजरमेंट करके फिर मटेरियल को फैक्ट्री में बनने के लिए दे दिया था। 10 दिन में सारे मटेरियल घर पर आ गए थे। आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये सारे लिव स्पेस के मटेरियल हैं। फिर अगले दिन से इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो गया। सबसे पहले वार्डरोब को कैसे असेंबल किया गया है वो देख लेते हैं। इसे बनाने में सॉलिडवुड, प्लाईवुड या सनमाइका यूज नहीं हुआ है। इसे MDF यानी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बनाया गया है। यदि आप भी वार्डरोब बनवाना चाह रहे हैं तो प्लाईवुड की जगह MDF के बनवा सकते हैं। ये काफ़ी लाइट वेट होता है और प्राइस वाइज भी ठीक है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बॉक्स को लगाया जा रहा है। वार्डरोब के अंदर व्हाइट कलर भी करवा सकती थी, पर मुझे यही कलर पसंद आया इसलिए मैंने इसे ही सेलेक्ट किया था। मैंने वार्डरोब में स्लाइडिंग डोर नहीं लगवाया है क्योंकि उसमें लॉक नहीं होता है। इस वार्डरोब में जितने भी सामान यूज हुए हैं सभी में 10 साल की वारंटी है। प्रॉपर मेजरमेंट करके इंस्टॉलेशन हो रहा है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, ऊपर के लेफ्ट साइड में बीम था जिसके कारण साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ा था। ऊपर के लेफ्ट साइड के 2 रैक को मैंने खाली रखा है, उसमें बॉक्स नहीं बनवाया है। कभी कभी घर में खाली सूटकेस और बैग वगैरह रखे रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखें, तो इस सेल्फ में अरेंज करके रख सकते हैं। इस वार्डरोब को ड्रिल करके दीवार में अच्छी तरह से फिट किया गया है। साइड में जो भी जगह खाली रह गया था उसे बाद में MDF लगाकर बंद कर दिया गया था। नीचे में भी जो खाली स्पेस था उसे बंद कर दिया गया था। सारे सेल्फ और हैंगर को लगाने के बाद अब डोर को लगाया जा रहा है। जितने भी हिंजेज, हैंगर और हैंडल हैं सभी हैटिज कंपनी के हैं। इसमें जंग वगैरह जल्दी नहीं लगते हैं। शटर डोर को प्लास्टिक से लेमिनेट कर दिया गया है ताकि इसमें स्क्रैच ना आए। सभी शटर डोर को इस तरह से फिक्स कर दिया गया है। ऊपर के बॉक्स में भी शटर लगाया जा रहा है। इस तरह से सारे डोर को लगा दिया गया है। अब इसमें हैंडल लगाया जा रहा है। हैंडल को आप अपनी सुविधा अनुसार लगवा सकते हैं। फाइनली 3 दिनों बाद हमारा वार्डरोब हमें हैंडओवर कर दिया गया था। वार्डरोब में सारी जगह MDF ही लगाया गया है। दोनों साइड में 5-5 सेल्फ हैं और राइट साइड में एक ड्रॉअर भी दिया गया है। ऊपर में 2 हैंगर भी दिया गया है। ये सेल्फ एडजस्टेबल भी है, इसे निकाल भी सकते हैं। ड्रॉअर भी काफ़ी स्पेसियस है और ये इजी वे में लग जाते हैं। इसमें एक लॉक भी दिया गया है। ये हिंजेज और हैंगर भी हैटिज कंपनी के हैं। अब चलते हैं वार्डरोब की दूसरी साइड में। यहाँ भी 2 हैंगर दिया गया है, इसमें कोट, पैंट और साड़ी वगैरह टांग सकते हैं।
इस सेल्फ की लंबाई ज़्यादा है। नीचे दोनों साइड दो दो सेल्फ हैं, एक ड्रॉअर भी है। दोनों ड्रॉअर लगभग एक ही साइज के हैं, ये इजी वे में स्लाइड हो जाते हैं। दोनों ड्रॉअर में लॉक है। ये वार्डरोब के अंदर का लुक है। होप ये वार्डरोब का डिजाइन आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने किचन टूर का वीडियो अपलोड करूंगी, उसे भी मैंने लिव स्पेस से बनवाया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।